दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन की खबर से लोग अभी उभरे ही नहीं थे कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। दरअसल ऋषि कपूर पिछले 2 साल से लेकीमिया नाम की एक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन बुधवार को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें आनन फानन में मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर यहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दरअसल ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था और वह उस समय के सबसे बेहतरीन अभिनेता राज कपूर के बेटे थे। वहीं अगर बात करें उनके स्कूलिंग की, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई से की और फिर आगे चलकर अजमेर के मेयो कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई को खत्म किया। हालांकि इससे पहले वह बतौर बाल कलाकार मेरा नाम जोकर नाम की मूवी में भी नजर आ चुके थे। और दोस्तों, अगर बात करें बतौर लीड एक्टर उनकी पहली मूवी की, तो वो थी बॉबी, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी के लिए उन्हें 1974 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से भी नवाजा गया था। इसके अलावा 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों, ऋषि कपूर अपने समय के बहुत सारी हिट मूवीज जैसे कि चांदनी, दीवाना, प्रेम रोग, हिना, अमर अकबर एंथोनी की तरह ही बहुत सारे फिल्मों में काम किया और अपनी लाजवाब एक्टिंग से उन्होंने सभी का दिल जीता। और वहीं अगर हम बात करें ऋषि कपूर के पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने 1980 में एक्ट्रेस नीतू सिंह से शादी की, जिनसे कि उन्हें एक बेटा रणवीर कपूर और बेटी रिधिमा कपूर भी हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रणवीर कपूर आज के दौर के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। हालांकि दोस्तों, भले ही चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी अदाकारी के लिए हमेशा ही याद किया जाएगा।